सिटीजन के नॉट से क्या सीनियर सिटीजन का? 16/9/2022 को लौट है सोलह नौ 2022 लौट से एंड क्या 16/9/2022? एज ए P1 लेकिन मदर ने अपने पुत्र के अगेंस्ट मेंटेनेंस के लिए लगाया था और उनका ये कहना था कि हमारे संपत्ति से उन्होंने बेदखल करने के लिए लगाया था। फिर तो क्या हुआ? 16/9/2022 को लॉर्डशिप ऑर्डर हुआ था, फिर उसके बाद फिर उसमें लॉर्डशिप आदेश हो गया कि घर खाली कराया जाए। आप सो ना जी आप फिर उसके बाद उसके इसके लॉर्डशिप हम इकलौती संतान है और हमारा बस इतना संबिशन था कि हम अपनी मदर का प्रॉपर देख रेख कर रहे थे, नहीं, लेकिन जब फिर माता जी को क्या जरूरत पड़ गई आपके खिलाफ लगाने की? लॉर्डशिप इनकी पुत्रियां भी हैं, तीन तीन पुत्रियां हैं, तो एक ही इकलौती संतान है और मकान है, तो उन पुत्रियों का भी कहना है कि इसमें हमें भी दिया जाए। और वो वृद्ध मदर है नहीं, तो वो अपने पास दैट इज नॉट अ ग्राउंड। आपने कुछ उनके साथ में अभद्रता की होगी। ये सीनियर सिटीजन्स वाला है ना ये? जी यस लॉर्डशिप मैडम। सीनियर सिटीजन वाला है या लॉर्डशिप। उपलब्ध है क्या? यस मैडम, बताइए बुलाइए, सामने बुलाइए। यस मैडम। जो अपनी परेशानी है। सर मेरी बहू मेरे को बहुत परेशान करती है सर, बहुत हाथ काटती है, कहीं फांसी में लटकती है सर, पुलिस की धमकी देती है और मेरे को जेल भेजाने की धमकी देती है सर, और 1 साल से मेरे को घर से बाहर निकाल दी बहू बेटे ने, मैं रिश्तेदारों के यहाँ यहाँ से वहां भटक रही हूँ सर, ठंड में। मेरा घर मेरा पति का घर है सर, बनाया हुआ, मैंने अपने बेटे को सर्विस दी हूँ, मैंने अपने पति की सर्विस, आप ही सर थे मेरे पति, उसकी सर्विस बेटे को दी हूँ, जिससे वो 80,000 1 लाख रुपए कमा रहा सर, मेरे को घर से निकाल दिए बाहर। आपको पेंशन मिलती है? ठीक जी लॉर्डशिप पेंशन मिलती है लॉर्डशिप, है मैडम, कुछ है नहीं इसमें। लॉर्डशिप एक ये अपनी पुत्रियों के साथ रहती है, और जबकि हम इनको रख 2 मिनट नहीं, लॉर्डशिप, उनको जबकि तो हम रखने की जरूरत ही नहीं, वो उनका घर है। इस लॉर्डशिप ये घर जो किसने बनवाया था? आपने बनवाया कि आपके पिताजी ने बनवाया था? इनके पिताजी ने बनवाया था इनके लॉर्डशिप, पिताजी हमारे ने कि आपके पिताजी ने? हमारे पिताजी ने बनवाया था लॉर्डशिप, फिर 100 वर्जित इनकी पुश्तैनी नहीं है और इनके नाम से भी नामांतरण नहीं है। हमारा सिर्फ सम्मिशन इतना था लॉर्डशिप कि हम रखने के लिए तैयार थे, नहीं, सिर्फ फर्स्ट फ्लोर में हमें लॉर्डशिप बनाने के लिए इजाजत दे देते दे, और सेकंड और भूतल में ही रह वो जाते बात की लॉर्डशिप। बात है। जब आपका व्यवहार अच्छा होगा तब सब मिलेगा, ये आपकी। लॉर्डशिप हम तो ऑलरेडी रखने के लिए ही तैयार थे अरे लॉर्डशिप, आपको और रखने का स्कोप ही नहीं है मैडम। हम इकलौती संतान लॉर्डशिप, हमारे भी इकलौती बच्चे भी संतान कहाँ है? आपकी बहनें भी तो है। इकलौती संतान का मतलब होता है व्हेन देयर इज नो अदर चाइल्ड। लॉर्डशिप, अभी हमारा सम्मिशन इतना से है कि हम एक ही मकान में रह रहे हैं, हमारे पास कुछ भी अभी नहीं, रहने के सॉरी लिए नहीं है, बच्चे भी आप लॉर्डशिप हमारे पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ कुछ रहे। दिन के लिए लॉर्डशिप हमें थोड़ा सा उसमें टाइम दे दिया जाए, एक तो महीने का टाइम दे देते, 1 महीने में खाली कर दीजिए। मैडम से पूछ के दे देते 1 महीने का टाइम, और 21 जनवरी लॉर्डशिप के पहले खाली कर दीजिए मकान। मेरा इतना लॉर्डशिप सम्मिशन था कि ठीक फैमिली है, मैटर था, थोड़ा सा मेडिएशन के लिए हो जाता, दोनों माँ और सामने बेटे तो बैठी हुई है वो। लॉर्डशिप भी हमारा पक्षकार आप नहीं है तैयार है कि लॉर्डशिप, अपने बेटे से सुलह बात करने के लिए? मेरे कान में सुनाई नहीं देता आपको क्या है? बताइए कि क्या क्या ये अपने बेटे के साथ बैठ के बात करने के लिए कोर्ट में तैयार है? यहाँ बात कर सकते बेटे बहू से? जी सर कर सकते हैं, कर हम सकते तो हैं। लिखिएगा, श्रीमती उनको सविता घर से चौधरी बाहर लर्नेट, श्रीमती नहीं धमकी लॉर्डशिप देती है सविता, मिस सविता चौधरी लर्नेट, काउंसिल फॉर दी पिटिशनर श्री। हाँ बोलो एक भैया। सबमिशन था माय लॉर्ड, अभी मेरा पावर फाइल नहीं है, मैं गए थे तो कर बहुत देना बिना कर देना परमिशन के। कर देना भैया, आपका नाम बताइए। मेरा मतलब रॉन्ग वो है, सुलह करने के लिए बोल रहे हैं कि सुलह करने के लिए आप नहीं जी, तैयार, नहीं मैं नहीं रह इस सकती, चीज वर्डिंग खतरा में है, खतरा बोला, इसलिए है इनसे बहू बेटे से अरे सर। कहाँ, वहां कोर्ट यहाँ में कोर्ट में क्या इनको समझाइए, आज जाके समझाइए। कोर्ट में बहू बेटे को बुला के एक बार आप सुलह करना चाहते सलाम हैं? नहीं करना चाहते उनसे, बिल्कुल नहीं, खतरा है अब उनसे। नहीं कोर्ट में, कोर्ट में तो कोई खतरा नहीं, कोर्ट में आप चाहती हैं कोर्ट में उनको बुला के बात आप करने के लिए आप तैयार हैं? नहीं खतरा है है ना? मेरे को, तुम लोग ऐसे ही बोलती हैं कि हम रखेंगे अच्छे से, पर उन लोग बहू का बिल्कुल विश्वास नहीं, कॉलोनी वाले से आप पूछ लीजिए सर, मैंने कॉलोनी वाले को बुलाई यहाँ पे थी। कोर्ट में साहब के सामने मेरा सबमिशन ये था माय लॉर्ड्स कि ऑलरेडी 16/9/2022 का ऑर्डर है और कलेक्टर साहब ने इसी जो इम्पियन ऑर्डर दिया है उसमें इन्होंने ये कहा था कि मेरे बच्चे पढ़ते हैं, मुझे समय चाहिए। तो ऑलरेडी 2 मंथ का 60 डेज का ऑर्डर दिया है इनको वैकेट करने का, तो 60 डेज के ऊपर 90 डेज हो गए, फिर भी उन्होंने वैकेट नहीं किया। साइमल्टेनियसली एक यहाँ प्रोसीडिंग लगा ली और यहाँ के पहले सेम ग्राउंड पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक प्रोसीडिंग लगा दी पार्टीशन की। दिखाइए। अच्छा, ये प्रोसीडिंग पहले की है, तो मतलब ये ओल्ड एज जो मदर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की प्रोसीडिंग अटेंड करे और एक यहाँ अटेंड करे, और कोर्ट को मिसलीड किया है यहाँ। बताइए कहाँ लिखा है आपने इस पिटीशन में ये पार्टीशन सूट के बारे में?
इस लॉटरी पैराग्राफ तो बाद में लगाए ना, लॉटरी तो नहीं, पहले यहाँ पर लगाए, उसके इस बाद में तारीख फिर को उसी लगाया है, बिल्कुल नहीं वो सेम 12 को सूट पे लगाया है लगाए। अलर्ट, इसमें है ऑस्ट्रेलिया 12 को, ये और ये सूट 13 को लगा यहाँ, किस तारीख को लगा है 12 को फाइल हुआ है वहां, और यहाँ 13 को फाइल हुआ है एमपी। तो लॉटरी वो संपत्ति पे हक और स्वामित्व के लिए लगाया है लॉटरी ठीक है, उस तो पे, बस वहीं लड़िएगा और बाहर जाकर, कुछ 16/9/2022 के अगेंस्ट यहाँ पर लगाए हैं ठीक लॉटरी। है, इसको कुछ है नहीं इसमें। मिस सविता चौधरी लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर, दिस मिसलेनियस पिटिशन श्रीमती गीता रजक रिस्पोंडेंट नंबर 1 प्रेजेंट इन पर्सन अलोंग विद हर काउंसिल श्री संतोष आनंद, संतोष आनंद, संतोष आनंद। यस नेक्स्ट, दिस पिटिशन इज फाइल्ड बाय द सन बीइंग एग्रीव्ड ऑफ ऑर्डर डेटेड 16/9/2022 पास्ड बाय कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट जबलपुर इन केस नंबर 00/58 ऑब्लिक अपील ऑब्लिक 02/2022/23। आपकी माताजी की एज क्या है? अराउंड 65 माय लॉर्ड्स। ठीक, वेयर बाय लर्नेड कलेक्टर हैज पास्ड एन ऑर्डर अंडर द प्रोवि इनवोकिंग द प्रोविजंस ऑफ उस एक्ट, निकालिएगा, सीनियर सिटीजंस का भरण पोषण वाला अधिनियम, इसमें का नाइट नौकर का पूरा नाम लिखा दीजिएगा, इतना इतना, एंड हैज ask the petitioner to leave the house of the respondent which was constructed by her husband